और खबर आते से छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल अनुसुईया उइके इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगी। सांस्कृतिक संध्या में शामिल होंगी राज्यपाल उइके। संस्कृति मंत्री अमरजीत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसका आगाज हुआ था। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हेमंत। हेमंत, क्या आपको जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? राज्योत्सव का दूसरा दिन है, क्या कुछ तैयारियां से लेकर के की गई हैं? और मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुसुईया उइके भी वहां पर शामिल हो रही हैं, तो क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर की गई हैं? हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन की मुख्य अतिथि जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके, वो रहेंगी। उनके साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता जो संस्कृति मंत्री हैं अमरजीत भगत, वो करेंगे। शाम 6:30 बजे जो पूरा आयोजन है वो यहाँ पर शुरू होगा। इस तरीके से कल राज्योत्सव की जो ओपनिंग है, शुरुआत है, वो हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि पहले संभावना जताई जा रही थी कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से उनका दौरा रद्द हो गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कल करीब 11 विभूतियों को जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। उसमें चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता कैटेगरी था, उसमें अनन्य साहित्यिक जो क्षेत्र है उसको लेकर भी वहाँ पर सम्मान दिया गया। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो लोक कला है, उसकी छटा कल देखने को मिली। इस बार सरकार ने यह फैसला लिया है कि बाहर से किसी भी कलाकार को राज्योत्सव में नहीं बुलाया जाएगा और जो लोकल कलाकार हैं वही प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। और वैसा नजारा कल देखने को मिला, जो यहाँ के लोकल कलाकार हैं जो काफी अरसों से एक तरीके से देखा जाए तो उन पर ध्यान नहीं दिया गया था पिछली सरकारों के द्वारा, तो उनको इस बार मौका दिया गया है और उन्होंने कल अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। और इसी तरीके से आज छत्तीसगढ़ की जो अलग अलग परंपरा है, बस्तर की वादी है, उस बस्तर की जो भजन है, बस्तर का नृत्य है, इसके अलावा जो लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, वो यहाँ पर आज उसकी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मौजूद तो रहेंगे, लेकिन 7:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राज्योत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचेंगे और जो छत्तीसगढ़ कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देंगे उस प्रस्तुति को यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आम लोगों की बात की जाए तो बड़ी संख्या, क्योंकि पहले ही जो राज्योत्सव का कार्यक्रम है वो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर नया रायपुर में होता था, लोगों को आने जाने में समस्या होती थी, काफी दूर वहां पर था। और इस बार सरकार ने फैसला लिया कि जो राजधानी का साइंस कॉलेज मैदान है वहां पर राज्योत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। और उसी तरीके से कल काफी ज्यादा संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि शहर फेमस, जैसे आप बता रहे, लोगों की इतनी भीड़ वहां पर देखने को मिली। और दूसरी चीज भी हम देखते हैं, जिस तरह से भूपेश जी ने ये ऐलान किया कि बाहर के कलाकार यहाँ पर नहीं आएंगे, जो वहां के ही कलाकार हैं वही वहां पर कार्यक्रम करेंगे और बाकी प्रस्तुतियां देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय पहल जो की जा रही है उस वजह से क्या वहां पर उत्साह देखा जा रहा है? लोगों में कैसा उत्साह वहां पर देखा गया कल के दिन? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह कल था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं जिनको एक तरीके से देखा जाए तो नजरअंदाज किया गया था, वो अपनी कल प्रस्तुति दे रहे थे, तो यहाँ पर भीड़ से आवाज जा रही थी, दर्शक काफी उत्साहित थे, क्योंकि पहले ये होता था कि जो बाहर के कलाकार हैं उनको करोड़ों रुपए देकर यहाँ पर बुलाया जाता था। और एक तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं जो एकदम नीचे तबके से आते हैं उनको एक तरीके से नजरअंदाज किया जाता था। तो इस बार सरकार ने फैसला लिया, न सिर्फ बड़े कलाकार छत्तीसगढ़ के बल्कि जो छोटे कलाकार गाँव में जो परफॉर्मेंस देते हैं, कस्बों में जो परफॉर्मेंस देते हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है। और इसी को लेकर उत्साह आम लोगों में भी था और काफी बड़ी संख्या में कल जो आम लोग हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे, यहाँ पर आपने बताया कि बाहर से कलाकारों को करोड़ों रुपए देकर के बुलाया जाता था, अब वहीं के कलाकार जो हैं वहां पे प्रस्तुतियां देंगे, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया है या क्या करेंगी? उनके लिए क्या इनाम दिए जाएंगे या क्या उन्हें ऐसी राशि दी जाएगी जिससे वो भी खुश हो सके?
देखिए जितने छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जो इन राज्योत्सव के 3 दिनों में अपनी प्रस्तुति देंगे उन सभी को सरकार द्वारा राशि वहां पर दी जाएगी। जैसे कार्यक्रम यहां पर खत्म होगा फिर जो यहां छत्तीसगढ़ सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसके मत के द्वारा वहां पर जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के उनको राशि दी जाएगी, क्योंकि पहले ये होता था जो करोड़ रुपए हैं वो बाहर के कलाकार को जाते थे, तो वही जो रुपयों की बचत है वो यहाँ पर हो रही है और उन रुपयों को यहाँ छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जो काफी गरीबी का जो दंश है वो झेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खास करके हमने पहले देखा था और आज भी ऐसी स्थिति है कि जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के वो काफी संपन्न नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, कई तरह की खबरें इस तरह की निकलकर सामने आती है, तो ये पहल सरकार की काफी यहाँ पर सराहनीय मानी जा रही है और आम लोग भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी को साझा करने के लिए।